हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपिक तनवीर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बैश फाइल के द्वारा कैसे हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिससे आपकी स्क्रीन की लाइट जो है वो विद इन अ सेकंड आपकी चेंज होती रहेगी, जैसा भी आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं सिंगल कलर चेंज हो या डबल कलर या मल्टी कलर, आपका कंटिन्यूस चेंज होता रहेगा। दोस्तों, इसके लिए चले चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में और देखते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियोस सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चाहते हैं कि आपका जो डिस्प्ले हो अगर चौंकाना चाहते हैं बैश फाइल के द्वारा, तो आप कुछ ऐसे डिस्प्ले करा सकते हैं। देखिए, बार बार डिस्प्ले जो है वो चेंज हो रहा है। चलिए इसको हम शुरू से करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम एक नोटपैड की फाइल नोटपैड ओपन कर लेते हैं, और नोटपैड ओपन करने के बाद इसमें हम टाइप करते हैं @ स्पेस इको ऑफ फिर स्पेस कॉलन स्टार्ट फिर स्पेस उसके बाद जो भी कलर आप देना चाहते हैं COLOR स्पेस मान लीजिए 10 कोड होता है। उसके बाद मैं इसको पिंग करा देता हूँ। पिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, जब भी आप लोग लाइन वगैरह काम करते होंगे तो आप लोग पिंग के बारे में जरूर जानते होंगे। तो मैं इसको लोकल होस्ट से पिंग करा देता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको डिस्प्ले कुछ भी ना हो, केवल ब्लैंक डिस्प्ले हो, इसके लिए आप यूज करेंगे -n(0>, और नल। फिर यहाँ पे go to space start। अभी हम इसको क्या काम करते हैं, सेव कर लेते हैं। अब इसको हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे abcd.bat। इसको .bat में सेव करेंगे ताकि यह बैश फाइल बन जाए। अब हम इसको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर लेते हैं, और अभी हम इसको ऐसे कट कर देते हैं। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कुछ डिस्प्ले आ रहा है, और अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी टेक्स्ट नहीं आ रहा है, और ये आपका डिस्प्ले हो गया है। अब इसको हम क्या काम करते हैं, इसके अंदर हम चाहते हैं ये कलर ऑटोमेटिकली चेंज होता जाए। अब आपको करना क्या है, इसको कट करिए, इसी पे राइट क्लिक करके इसको एडिट कर लीजिए। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे जो कलर 10 लिखा हुआ है इसको कर दीजिए 20। फिर ऐसे इंटर प्रेस करिए, फिर पेस्ट कर दीजिए, और इस कोड को फिर चेंज कर दीजिए 30 कर दीजिए। फिर पेस्ट करके इसको उल्टी कर दीजिए, फिर पेस्ट कर दीजिए। ऐसे बार बार करेंगे, जितना भी आप कलर चाहते हैं पेस्ट करने के बाद इसको बस सेव कर देना है और इसको क्लोज कर देना। अब इसके बाद हम चलाते हैं इसको, देखिए ऑटोमेटिकली ये कलर जो है चेंज होता जा रहा है। ऐसे मैं प्रयास करूंगा कि इसका कोड जो है वह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें।